प्यारे दशम के भैया बहन, आज हम लोग छठे पाठ का एक पदीय प्रश्नोत्तर करते हैं। 28/6 शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। अब पहला प्रश्न, मानवानाम शरीरस्थ महान शत्रु कह, मनुष्यों का शरीर में विद्यमान महान शत्रु कौन है? कहता है आलस्यम। दूसरा, मानुषाणाम कीन समह बंधु नास्ति, मनुष्यों का किसके समान बंधु नहीं है? तो उद्योगेन, या कहिए उद्यमेन। तो यहाँ उद्यमेन है, दोनों एक ही चीज़ है। अगला प्रश्न, गुणी जना कम वेत्ति यानी जानाति, उत्तर होगा गुणम। बलम कह वेत्ति, बल को कौन जानता है? उत्तर हुआ वली। तो ये बलि शब्द है, इन प्रत्यांत है, बलि बलिनौ बलिनः रूप चलेगा। बसंतस्य गुणम कह वेत्ति जानाति, उत्तर हुआ पी कह कोयल कोकिला। करी यानी गजह हाथी, करी कस्य बलम जानाति, उत्तर हुआ सिंहस्य। सातवां प्रश्न, बोधिता हया नागाश्च किं कुर्वन्ति, प्रशिक्षित किए गए घोड़े और हाथी क्या करते हैं? तो वहन्ति, वहन्ति मैंने भार ढोते हैं। कह अनुक्तमपि उहति, कौन अनकही बात को भी तर्क से जान लेता है? उत्तर हुआ पंडित जना। नराणाम प्रथमा शत्रु कह अस्ति, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? क्रोधा। शत्रुओं की कतार में अगर 10 शत्रु हैं तो उसमें पहला क्रोध है। अब देखिए, मृगाः कई संगम अनुब्रजंती अनुगछंती। अनुब्रजंती ब्रज धातु है, ब्रज मैंने जाना, तो ब्रजती ब्रजता ब्रजंती इसका रूप होता है। मृग किनके साथ जाते हैं, रहते हैं, घूमते हैं? तो कहता है उत्तर मृगई, मृगों के साथ। समानशील व्यसनेषु किं भवति, एक जैसा आचरण और व्यसन वाले लोगों के बीच क्या होती है? तो कहता है सख्यम। सख्यम मैंने मैत्री, मित्रता। कहा गया है कि चूर चूर मौ शेरे भाई, इसी की हिंदी हो जाती है। आगे देखिए, फल छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त कह सेवितव्य महावृक्ष। उसके बाद देह विनाशनाय, या देह विनाशाय, देह के विनाश करने के लिए, देहस्थितः, देह में स्थित बैठा हुआ प्रथम शत्रु कह, पहला शत्रु कौन है? उत्तर हुआ क्रोधा। संपत्तौ विपत्तौ च, संपत्ति होने पर और विपत्ति होने पर केषाम एक रूपता भवति, किन लोगों के बीच एक रूपता होती है? अर्थात महताम, श्रेष्ठ लोगों के बीच एक रूप में तल लगाए, तल को ता होता है यानी बनता है एक रूपता। इस तरह से प्रश्नोत्तर के 14 प्रश्न, नए नए प्रश्न खोजे गए, जो अभ्यास में हो या न हो, इससे अधिक भी प्रश्न आप बनाने की क्षमता रखते हैं यदि इनको श्रद्धा भक्ति पूर्वक, तत्परता पूर्वक मन लगा के करते हैं। अब ये प्रश्न आपको जो उत्तर हैं दोनों का संबंध, प्रश्नवाचक कौन सा शब्द प्रश्न में है, उसमें कौन व्यक्ति है, कौन लिंग है, कौन वचन है, किस भेद का शब्द है, वो उत्तर में वो सारे गुण बैठे होते हैं। तो इस प्रकार जो भैया बहन पढ़ते चल रहे हैं उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी एक भैया ने फ़ोन किया था सिलेबस के लिए, तो अपना नाम बताने में उसको बहुत हिचक हो रही थी, पता ना सच बताया कि क्या बताया। तो मैंने कहा है कि सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई हो रही है, और बीच में फुर्सत देख करके हम जो सिलेबस है वो डाल देते हैं।
और आप जान लीजिए कि टेंथ के लिए सिलेबस वही है कि नवंबर तक सारे पाठ्यक्रम दिसंबर तक लेटेस्ट पूरे कर लिए जाएं, ताकि जनवरी और फरवरी में 1-1.5 महीने में आप उसका बढ़िया रिवाइज कर लें और बोर्ड के नियमानुसार परीक्षा देने के काबिल बन जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ये पाठ समाप्त होता है, आप इसको बढ़िया से फेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।